नमस्कार दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,000 मामले सामने आए हैं। इस बीच अमेरिका के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, यहां FDA ने फाइजर की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वहीं चीन ने अपनी वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के बिना ही दूसरे देशों को भेजना शुरू कर दी है। इसके अलावा एक शोध में दावा किया जा रहा है कि मास्क पहनने से 79% तक कोरोना से बचा जा सकता है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे एक नए शोध के बारे में, जिसके मुताबिक कोरोना का वायरस चीन से नहीं बल्कि इटली से फैला था। अमेरिका ने फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी। दोस्तों, ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा के बाद अब अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर और बायोएनटेक की विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, जो COVID-19 की रोकथाम के लिए अमेरिका में आने वाली पहली दवा है। अमेरिका व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख को धमकी दी थी कि अगर फाइजर की वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई तो वो अपना इस्तीफा भेज दे। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर एजेंसी देश को पहली कोरोना वायरस की दवा के बारे में नहीं बता सकती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फाइजर कंपनी ने पिछले हफ्ते ही भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी थी। स्वदेशी mRNA वैक्सीन को मिली ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19 को मानव परीक्षण करने के लिए मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सशर्त मंजूरी मिली है। ये वैक्सीन मैसेंजर RNA यानी mRNA तकनीक से विकसित की गई है। दरअसल mRNA वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स का उत्पादन करने के लिए परंपरागत मॉडल का इस्तेमाल नहीं करती है। ऐसे वैक्सीन शरीर को बताते हैं कि किस तरह का प्रोटीन बॉडी में बनाना है ताकि शरीर बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सके। लास्ट फेज के ट्रायल के बिना चीनी वैक्सीन के डिलीवरी। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया में जल्द से जल्द COVID-19 की वैक्सीन बनाने की होड़ दिख रही है, तो दूसरी ओर चीन की साइनोवैक कोरोना वैक्सीन अब विदेशों में पहुंचने लगी है। इस होड़ में चीन दूसरों से आगे निकलता दिख रहा है। चीन की बायोफार्मा कंपनी साइनोवैक की COVID-19 वैक्सीन कोरोनावैक इस्तेमाल के लिए इंडोनेशिया में पहुंच चुकी है। इसके अलावा इसके 18 लाख और डोज जनवरी तक यहां पहुंचाए जाएंगे, लेकिन वैक्सीन का आखिरी स्टेज का ट्रायल अभी नहीं हुआ है। कोरोनावैक एक ऐसी वैक्सीन है जो एक्टिव नहीं की गई है, कि आपके शरीर के भीतर मरे हुए वायरस के कुछ हिस्से डालती है और आपकी इम्यून सिस्टम को इस मृत वायरस से निपटने देती है। इससे आपका शरीर वायरस से लड़ना सीखता है और कोई गंभीर बीमारी भी नहीं होती, यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। कोरोना से बचाने में 79% कारगर है मास्क। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बताया है। ऐसे में अमेरिका में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि मास्क पहनने से हम कोरोना वायरस से कितना बच सकते हैं। इस शोध में सामने आया है कि कुछ मास्क 79% ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रभावी होते हैं। ये मास्क नायलॉन की दो परतों से बने हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेहतर है। वहीं अन्य ऐसे मास्क हैं जो कान को भी ढकते हैं, वो 38.5% काम करते हैं। इन मास्क को सर्जिकल मास्क भी कहा जाता है। UNC स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के सहयोग से शोध किया है, जिसे JAMA इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित किया है। मुंबई में कोरोना के खात्मे की तैयारियां शुरू। दोस्तों, कोरोना महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन आने से पहले ही मुंबई में वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। BMC ने टीकाकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। BMC की माने तो शुरू में मुंबई में 8 स्थानों पर वैक्सीनेशन की सुविधा होगी। ये प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। वैक्सीन लगवाने के बाद हरेक को 30 मिनट तक वहां रुकना होगा। वैक्सीनेशन के दौरान निजी कंपनियों की मदद नहीं ली जाएगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के पहले 2 चरण भंडारण और परिवहन के होंगे, फिर 3 चरणों में टीके लगाए जाएंगे। इसके तहत कुल 500 टीमें टीके लगाएंगी। हर टीम में 5 कर्मचारी होंगे। वैक्सीन 2 स्थानों पर स्टॉक की जाएगी और 8 अस्पतालों में ये वैक्सीन दी जाएगी। देश का कोरोना रिकवरी रेट 94.84% हुआ। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन जहां कुछ हफ्ते दूर है, वहीं अच्छी बात ये है कि कोरोना वायरस की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। सबसे ज्यादा राहत दिल्ली में मिलती दिख रही है। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट नवंबर मध्य में 15% से ऊपर पहुंचा था, वो अब घटकर 2.5% पर आ गया है।
दिल्ली के साथ ही देश की सेहत भी सुधर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 29,398 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 97,96,769 हो गई। संक्रमण से 414 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 1,42,186 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 92,90,834 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं, जिससे ठीक होने की दर भी 94.84% हो गई है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। शोध में दावा, इटली से हुई कोरोना की शुरुआत। दोस्तों, अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान से फैला, लेकिन अब एक नई रिसर्च में अलग दावा किया जा रहा है कि इटली में नवंबर 2019 में ही कोरोना वायरस पैर पसार चुका था। एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि इटली में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस बीमारी से कुछ महीने पहले नवंबर 2019 के अंत में मिलान क्षेत्र के एक बच्चे में कोरोना संक्रमण होने के प्रमाण मिले हैं। इटली और कनाडा के शोधकर्ताओं ने 39 रोगियों से उनकी सहमति से सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक एकत्र ऑरोफ्रिंजल स्वाब नमूनों का विश्लेषण किया। इस दौरान मिलान के आसपास के इलाके में रहने वाले 4 साल के बच्चे के नमूने का परीक्षण किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव था। उस बच्चे का कोई यात्रा इतिहास भी नहीं था। अर्धसैनिक बलों में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। दोस्तों, भारत में कोरोना की वैक्सीन पर काम तेजी से चालू है। इस संक्रमण के आंकड़े आम लोगों में तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, साथ ही कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे अर्धसैनिक बलों में भी ये संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक 50,000 से ज्यादा CPF के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 10 दिसंबर तक सेंट्रल रिजर्व पुलिस और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स समेत दूसरे केंद्रीय फोर्सेस के 50,010 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले जवानों की बात की जाए तो उनकी संख्या 185 है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक सबसे ज्यादा CRPF के जवान संक्रमण की चपेट में आए हैं। CRPF के 14,461 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। 75 जवानों ने इस संक्रमण के कारण जान गंवाई है।